अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक ठाक व्यूअर्स। अब 3412 के जो पिस्टन इंस्टॉलेशन करने लगे हैं, जो पिस्टन हम लोगों ने इंस्टॉलेशन कर भी दी है। अच्छा, इसके अंदर मैं बात आपके साथ शेयर करनी थी। ये कनेक्टिंग राड में ये काला आता है, ये वाला काला, ठीक है। और दूसरी साइड में आप चेक करेंगे उस साइड पर नहीं आता, ये वाला चेक अब चेक करो, इस साइड में ये कॉलर नहीं है। अभी ये कॉलर वाला जो साइड होता है, ये आपने क्रैंक की तरफ रखना है इधर का भी, ठीक है। और जो दूसरा कनेक्टिंग राड आप फिट करोगे इसका ऑपोजिट, वो भी इसका जो कॉलर का साइड होगा इसका, ये क्रैंक की तरफ आएगा। अभी मैं इसका फायरिंग आर्डर के मुताबिक भी बताऊंगा कि फायरिंग आर्डर और पिस्टन की तरतीब कैसी है। पिस्टन की तरतीब ऐसी है कि इसका जो ये इसका लेफ्ट साइड बन जाती है, लेफ्ट साइड में इसका पिस्टन एक नंबर आएगा, ठीक है। ये एक नंबर पिस्टन आएगा, ये तीन नंबर आएगा, ये पाँच नंबर है, ये सात नंबर, ये नौ नंबर, ये ग्यारह नंबर है, ठीक है। इसी तरह ये दो नंबर आएगा, ये दो नंबर है, ये चार नंबर है, ये छः नंबर है, ये आठ नंबर, ये दस नंबर, ये बारह नंबर, बारह के ऑपोजिट वाला ये ग्यारह नंबर होगा। तो पिस्टन के जब भी आपने इंस्टॉलेशन करना है तो एक नंबर पिस्टन उधर से इंस्टॉलेशन करें, फिर इसके साथ में दो नंबर, फिर तीन नंबर, चार नंबर, किसी तरतीब के साथ आप सब इंस्टॉलेशन करते रहें। अगर किसी को फायरिंग आर्डर नहीं भी मालूम है इसका, तो फिर इसमें आपने टेपर वगैरह कैसे करने होंगे। ये एक नंबर पिस्टन हमारा जो किताब के आएगा उसके साथ आप जिस तरह एग्जाम में रख लें कि छः नंबर आप पिस्टन के ऊपर काम कर रहे हैं, छः नंबर सिलेंडर के ऊपर, छः नंबर उधर हो गया, छः नंबर इधर हो गया, एक नंबर टॉप पे आ जाएगा, तो एक के साथ ये आपका छः नंबर भी टॉप पे आ जाएगा। जब ये दो टॉप पे आ जाएगा, पाँच नंबर भी टॉप पे आ जाएगा। तो इसी तरह जो छः नंबर जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर जो फायरिंग आर्डर अप्लाई करते हैं 15 36 24 का, तो इसके ऊपर भी यही फायरिंग आर्डर आप एक साइड पर अप्लाई कर दें और दूसरे साइड पर भी अप्लाई कर दें। लेकिन आपको इनटेक वाल का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका जो इंटेक वाल आएगा इसका आगे की तरफ आएगा, ठीक है। अब उधर से आपने अगर अप्लाई करना है यही फायरिंग आर्डर, तो इधर से आपका इंटेक वाल आ जाएगा 15 36 24 का। अभी ये देख लें पिस्टन की दोनों की मूवमेंट, ये देखें, ये एक नंबर, ठीक है, ये 15 36 24 के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका भी मूवमेंट देख लें पिस्टन की जहाँ पर है उसी तरह इसकी मूवमेंट देख लें। फिर आप ये दो नंबर की चेक कर सकते हो, इसी तरह ये पाँच नंबर की, ये दोनों की मूवमेंट, तीन और चार की, यानी आप इसके ऊपर 15 36 24 वाला भी फायरिंग आर्डर अप्लाई कर सकते हो। एक साइड पर वो वाला अप्लाई कर दो, फिर दूसरी साइड में आप इस तरह 15 36 24 के हिसाब से आप फायरिंग आर्डर के हिसाब से कर सकते हो। इसके टैपर वगैरह, इसके टैपर वगैरह भी एडजस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला फिर वो भी मैं वीडियो के साथ ही शेयर कर दूँगा।